होगी, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा साथी, मैं अब आगे चलता हूँ और डॉक्टर को अभी तक मैंने बुलाया नहीं था, हमारे साथ डॉक्टर जीत सिंह हमारे प्राचार्य हैं, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आकर के अपना अच्छी भाषा हम लोगों को दें और अपने आशीर्वाद और अपने आशीर्वाद से जीत सर। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है। आदरणीय प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्रवाल जी, वाइस चांसलर हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आज के कीनोट स्पीकर मेजर हर्ष कुमार जी, सेक्रेटरी एनसीईआरटी न्यू दिल्ली, हमारे पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अतुल शर्मा जी जो इस समय गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज रामपुर में प्राचार्य हैं, मेरे साथी शिक्षकगण और इस वेबिनार में उपस्थित सभी विद्वत्जन, आपका सबका मैं धन्यवाद देता हूं कि जो आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि समय अब ज्यादा होता आ रहा है तो मैं कुछ दो चार मिनट ही अपनी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे सर ने बताया कि ये शिक्षा नीति जो हमारी है ये 34 वर्षों बाद आई है, वर्ष 1986 में जो नई शिक्षा नीति बनी थी उसे 92 में जारी किया गया, पर उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। देश की शिक्षा व्यवस्था मेरा मानना है कि ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्र की जरूरतों को प्राथमिकता दे, और इसके लिए जरूरी है कि देश के एजुकेशन सिस्टम की जड़ें गहराई तक उसकी संस्कृति में जानी चाहिए, लेकिन साथ में नई नॉलेज और प्रोग्रेस के लिए भी कमिटमेंट भी दिखाई देना चाहिए। इस समय जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है उसने इसे स्वीकारा है कि हर बच्चे को भारत की संस्कृति से परिचित होना चाहिए एवं उससे जुड़ना चाहिए, देश की विरासत उसका इतिहास को जानना चाहिए, और हम कहते हैं कि एक लिंक होना चाहिए प्रेजेंट को पास से जोड़ना है, यानी कि अतीत से जोड़ना चाहिए हमें अपने वर्तमान में, लेकिन साथ में नई नॉलेज गेन करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत जरूरी है। ये हमारी शिक्षा नीति में भी बताती है कि हमें बात करती है ये कंटिन्यूटी की, मॉडर्नाइजेशन की और परफेक्शन की। अब कोई भी शिक्षा नीति तभी चलती होगी हमारे टीचर्स को सही वातावरण मिलेगा, जैसे उनकी रेगुलर ट्रेनिंग है, उनका रिसोर्सेज मिलने चाहिए जिससे वो अपने ज्ञान की वृद्धि कर सके, क्योंकि अच्छे टीचर्स हमारे डेवलप होंगे तभी अच्छा ज्ञान अपने छात्रों को दे पाएंगे। अब दशकों से चली आ रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था की संरचना में आमूलचूल परिवर्तन का जो दृढ़ संकल्प लिए शिक्षा नीति का उद्देश्य एक श्रेष्ठ मानव को निर्मित करना है, ऐसा मनुष्य जो तप और कार्य करने की अपेक्षित क्षमता दक्षता कौशल से संपन्न हो, जिसमें क्रिएटिविटी हो, कल्पना हो, मॉरल वैल्यूज हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, साइंटिफिक अप्रोच हो, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट की बहुत बात करी गई आज, पहले से ही चला आ रहा है कि हमारे बहुत सारे सर्वे हुए हैं जिसमें हमारे ट्रेडिशनल ग्रेजुएट्स की बात करें, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की बात करें, MBAs की बात करें, तो उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी कंडीशन है बहुत पुअर है। लगभग माना जाता है, बहुत सर्वे में कहा गया है कि 70-80% हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं, यानी कि पढ़ तो लिख लिए हैं लेकिन नौकरी करने के लिए वो सक्षम नहीं है। तो इसलिए हमें थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच इसमें लाना है कि जिससे कि स्किल डेवलपमेंट सही से लोगों का हो सके, और जो तो अच्छी नौकरी के लिए जाएं तो थोड़ी सी ट्रेनिंग जो कंपनियां उन्हें देती हैं, जो इंडस्ट्री देती है, उससे ही उनका काम चल जाए और वो अच्छी नौकरी कर सके। दूसरा मेरा मानना यह है कि नई शिक्षा नीति सभी विद्यार्थियों को वर्ग, पंथ, जाति, भौगोलिक दूरी को समाप्त करते हुए सबको क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराएगी। यह हाशिए पर रह रहे समुदायों, वंचित समूह पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता को पूरा करेगी। नई शिक्षा नीति भारतीय समाज में समानता, समायोजन और वी कैन से इकोनॉमिक और सोशल रूप से भी गतिशीलता की प्राप्ति के यत्न पर स्थापित, विद्यार्थियों जो परिस्थितियों की बाधाओं के बावजूद शिक्षा में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें, इसकी कोशिश और योजना स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई जा सकती है कि भाई एक बच्चा एक साल नहीं पढ़ पाया, किसी कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो एक दो साल गैप भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, उसका स्कोर इकट्ठा होता रहेगा और उसके बाद फिर जब वो सही उसकी परिस्थिति बने तो वो उसके बाद उसको पढ़ सकेगा। अब बड़े बड़े या क्रांतिकारी परिवर्तन शिक्षा से ही संभव है, जैसे कि हमारी सांस्कृतिक चेतना में
पहले से ही मौजूद है। शिक्षा मनुष्य निर्माण, राष्ट्र निर्माण और विश्व निर्माण के हेतु एकमात्र भरोसेमंद साधन माना जाता है और ये हमारा सुखद सहयोगी है कि कोरोना महामारी के समय में ये नई शिक्षा नीति स्वीकृत की गई। यह शिक्षा नीति 2015 से तैयारी की प्रक्रिया में थी। हमें याद है कि बिजनौर जनपद का मैं नोडल ऑफिसर था, तो मैं अपने साथी शिक्षकों के साथ ब्लॉक्स में जा जाके जिलों के बिजनौर तक जिले में गए, अलग अलग तहसीलों में जाकर हमने जिम्मेदार लोगों से उनके विचार इकट्ठे करे, सबसे विचार विमर्श करा और उसके बाद ही ये शिक्षा नीति जब हमने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, इसी पूरे देश में जब ये रिपोर्ट सबमिट हुई है तब ये जाकर ये शिक्षा नीति बन पाई है। तो शिक्षा व समाज के अन्य क्षेत्रों से जुड़े जिम्मेदार लोगों को सम्मिलित करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से सबके परामर्श पर विचार करते हुए यथोचित संशोधन और परिवर्तन के बाद ही ये दस्तावेज तैयार हो पाया है। अब इस प्रकार ये 21वीं सदी की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसमें जो प्रोविजंस मेंशनड हैं उसके द्वारा भारत के भविष्य की दिशा का संकेत मिलता है। 21वीं होना है, प्रत्येक भारतीय को शिक्षा का अवसर मिलना है और मिलना चाहिए। यह नाम मात्र की शिक्षा का अवसर नहीं बल्कि मनुष्य बनाने वाली, रोजगार परक बनाने वाली, भारतीय संस्कृति व परंपरा के मूल्यों से समृद्ध करने वाली और ग्लोबल कॉम्पिटिशन में अडिग बने रहने के साहस से लैस करने वाली शिक्षा नीति यह होनी चाहिए और ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। नई शिक्षा हमें इसी की तरफ आश्वासित करती है, ऐसा ही होगा, लेकिन इसके लिए हमें अपना माइंडसेट बदलना है, एटीट्यूड बदलना है कि नीतियां पॉलिसीज तो बनती रहती हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन जो है वो हम शिक्षकों को, छात्रों को, सोसाइटी को, सबको मिलजुल के करना है। जब हमारा माइंडसेट बदलेगा, रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे लेकिन हम कुछ ना करना चाहें तो भी वो फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। तो हमें अपना माइंडसेट बदलना है, हमें अपना एटीट्यूड बदलना है, हमें और ज़्यादा प्रयास करने हैं कि इस नई शिक्षा नीति को हम अमल में अच्छी तरीके से ला सकें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी देश की शिक्षा नीति ऐसी नहीं बन सकती जिससे कि हर कोई संतुष्ट हो। भारत जैसे डाइवर्सिफाइड देश में ऐसा सोचना भी अनुचित ही होगा। शिक्षा समाज में बदलाव लाती है और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार अपने को बदलती भी है। इसमें कमियां हो सकती हैं पर सबसे बड़ी आवश्यकता होगी कि सरकार वे संसाधन उपलब्ध कराए और रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड कराए जिससे सरकारी स्कूलों की, सरकारी विद्यालयों की, विश्वविद्यालय जो हैं या हमारे महाविद्यालय हैं उनकी साख बढ़े। क्योंकि मुझे मानना है कि भारत की अगर हम इंक्लूसिव या ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका रास्ता गांवों के प्राइमरी स्कूल से होकर ही जाता है। शिक्षा नीति तभी सफल होगी जब सरकार के साथ साथ सोसाइटी को भी अपना कर्तव्य निभाना है, सोसाइटी भी अलर्ट होकर उसमें सहायता करे, उसका समय समय पर निरीक्षण करती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सभी सभी को, सभी वक्ताओं को ध्यानपूर्वक सुना। धन्यवाद। धन्यवाद जीत सर हमारे प्राचार्य सर, इन्होंने जो है वो बहुत अच्छा वक्तव्य दिया हमारे प्राचार्य सर ने और उन्होंने बताया नई शिक्षा नीति के बारे में, सभी को अवगत कराया कि नई शिक्षा नीति जो है वो समाज में परिवर्तन लाने में सक्षम है लेकिन इसके लिए सभी को प्रयास करना होगा और कोई भी शिक्षा नीति संपूर्ण नहीं हो सकती, कमियां हर चीज में रह सकती हैं, तो शिक्षा नीति में भी रह सकती हैं, लेकिन उसको हमें अपने प्रयासों से उन कमियों को ओवरकम करते हुए और जो उसका उद्देश्य है, जो उसमें अच्छी बातें की संकल्पना की गई है उसको लागू करना है।